सिरमौर जिला के मैदानी इलाकों में पैदा की जा रही स्ट्रॉबेरी की मिठास इन दिनों पड़ोसी राज्य में पहुंच रही है। वहीं स्ट्रॉबेरी की खेती कर क्षेत्र के युवा भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। सिरमौर जिला के मैदानी क्षेत्र माजरा, धौलाकुआं, पौंटा साहिब और आसपास के इलाकों में भारी मात्रा में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किया जा रहा है, जिसकी साथ लगते पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब में सप्लाई हो रही है। मौजूदा समय में यहां स्ट्रॉबेरी उत्पादकों को 140 से लेकर 160 तक प्रति किलो दाम मिल रहा है, जिससे स्ट्रॉबेरी उत्पादक बेहद खुश है और उम्मीद जता रहे हैं कि अगर मौसम ने साथ दिया तो स्ट्रॉबेरी के दाम और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। खास बात ये भी है कि स्थानीय युवा स्ट्रॉबेरी उत्पादन में रुचि दिखा रहे हैं और स्ट्रॉबेरी की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। स्ट्रॉबेरी का उत्पादन कर रहे युवा संजू ने बताया कि उन्होंने करीब 10 बीघा भूमि पर स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है और उम्मीद है कि इस बार अच्छी आमदनी होगी। जी सर, डिमांड तो इसकी जैसे देहरादून हो गया, चंडीगढ़ हो गया, सोलन, शिमला, अपना लोकल भी चला जाता है, दिल्ली वगैरह में पैकिंग में अच्छा चला जाता है, रेट भी हमें अच्छा मिल जाता है इसका। जी सर, अभी 7-8 बीघा तो है ही है लगभग, और जैसे इसकी एवरेज हमें अच्छी मिलती है हम ज़्यादा भी लगा लेते हैं। यहाँ के लोग लोकल भी बेचते हैं? जी, लोकल भी बहुत बिकता है सर, और बाहर पैकिंग में जाता है, लोकल ऐसे लूज में चला जाता है हमारा। सर, हम खेती तो 2-3 साल से कर रहे हैं और अब की बार भी अच्छा उत्पादन होना चाहिए, क्योंकि जैसा मौसम अब की बार चला हुआ है, बारिश का भी मौसम अच्छा है, तो जैसे मार्च का महीना आएगा हमारा फ्रूट मार्च में बड़ा अच्छा फ्रूट चलना शुरू हो जाएगा। अभी इसको हम देहरादून, सोलन, चंडीगढ़ यहाँ सप्लाई करते हैं, बाकी हमारा लोकल में भी अच्छा फ्रूट यहाँ से जाता है। यहाँ पैदा हो रही स्ट्रॉबेरी जहाँ बाहरी राज्यों में सप्लाई हो रही है, वहीं यहाँ NH के किनारे स्थानीय लोग खुद भी स्ट्रॉबेरी बेचकर अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं। सिटी चैनल के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।